तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बढ़िया लगता है गांव में जी। हैं? शहर में गए? घर का काम करते हैं, खाना बनाना, बर्तन झाड़ू, गोबर निकालना, घास काट। आंटी कैसे हो? डर क्यों रहे हो? डर क्यों? अरे डर क्यों? रुको 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 काम आंटी सर क्या हो गया? क्या नाम है? गुलशबा। आप भी खेती वेती करते हैं? अच्छा, आपके यहाँ पल्लू उड़ते हैं क्या ज्यादा लोग हैं? मन तो करो, बस पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ना नहीं चाहते जी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ प्रकृति की गोद में, यानी कि एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत से गांव में। और गांव का आप जंगल कह सकते हैं। पीछे खेत आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे सेम की खेती हुई है, सेम इसकी सब्जी बनती है, उसकी दाल भी होती है। और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, तो खूबसूरत जंगल लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे किसान लोग भी हैं जो खेती बाड़ी का काम यहाँ पे कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पीछे पीछे, ये देखिए आप, किसान लोग यहाँ पे खेती का काम कर रहे हैं। तो आइए, चलो आंटी से बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या खेती यहाँ पे होती है। कैसे हैं आप? आंटी कैसे हो? डर क्यों रहे हो? डर क्यों? अरे डर क्यों रहे हो? रुको, बात करो। रुको 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 कहाँ भाग रहे हो आंटी? आंटी सर क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, देखो आंटी। तो फ्रेंड, देखो आंटी से बात कर रहा था, आंटी जो है घबरा गई है कैमरे को देख के। बड़ा ही अजीब यहाँ पे वाकया हुआ यहाँ पे। आंटी तो देखो, ये देखो आंटी, आंटी क्या आपका? ओ आंटी, आंटी, आंटी। अरे आप भी तो किसान हो, आप क्यों शर्मा रहे हो इतना? आप पता है आपको, आप बिल्कुल बराबर हो दोनों, पति पत्नी। जितनी भैया मेहनत करते उतनी आप भी करते हैं, ऐसे कैसे शर्मा रहे हो आप? वही तो मैंने देखा, यहाँ पे औरतें बहुत मेहनत करती है। अरे दीदी इधर देखो, नाम तो बता दो अपना। अरे इतना क्या शर्माना भैया, नाम तो बता दो। गुलशबा। गुलशबा तो उनका नाम था, आपका नाम गुलशबा ही ना? दोनों नाम गुलशबा है? गुलशमा। अच्छा, आप गुलशबा हो। अच्छा, आपके यहाँ पल्लू उड़ते हैं क्या ज्यादा लोग हैं? अच्छा, पर्दा करते हैं। ठीक ठीक। अब वो भी वो आपकी कौन पत्नी है? पत्नी है क्या जी? अच्छी, वो आपकी पत्नी है जी? वो मेरी। आइए, ये इसकी कलीम। अच्छा कलीम भाई, ये तो नए नए बच्चे जो हैं, ये भी सरमारी। बताओ, आप तो नए हो। अच्छा बताओ, कहाँ तक पढ़े हो आप? बताओ। नहीं, नहीं पड़ी, पड़ी। कुछ नहीं पढ़ी? अच्छा, खेती में क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं करते, तो आज ही आई। आज ही हम तो खेत में भी। पर खेती तो करते होंगे ना? हम नहीं बैठते खेत में। ना, मेरा बुआ खेत में बैठते। अच्छा, आपकी बेटी है? जी, मेरी बेटी है। अच्छा 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 अच्छा, उनकी बेटी है आप? तो भैया तो बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको मदद करनी चाहिए। पापा की अपने घर में काम करते, घर का काम? अच्छा काम हम बाहर कर लें। अच्छा, आपके ऐसा होता है कि आदमी बाहर का काम करते हैं, औरतें खेती का काम करती, मतलब घर का काम करती? घर का काम करती। डंगर वंगर देखना, पालना वालना ना, दूध दूध। कितने डंगर आपके? एक बैल। बस जी। बैल वैल? अच्छा भैया, जैसे पहले ना बैल पालते थे लोग, अब बैल खत्म हो गए? बताओ यार, अब सब ट्रैक्टर से चल रहा काम? हाँ जी, जंगल बंद होगा ना, पहले तो जंगल में चुगन जाते डंगर। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे गेहूँ बोए अपना जंगल में चगा लाए, वहाँ कुछ पत्ती खा ली, कुछ नीचे का कबाड़ चुग लिया। अब इतना जंगल बंद होगा, आदमी नहीं जाते लकड़ी चुगन। बताओ फिर, दो बीघे जमीन, अब दो बीघे जमीन है इसमें, ये बताओ, दो बैल रखूं, एक भैंस रखूं, बताओ इसमें क्या करें? गेहूं खाएंगे हम या उनका घास बोएंगे? पर ट्रैक्टर ने भी काफी वो कर दिया ना, जब ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर आ गए तो काफी वो हो गया। देखो इस तरह से किसान की जिंदगी। आंटी तो बहुत घबरा रही है। आंटी 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 आंटी, ये तो चिल्ला गई थी, क्या हो गया? ये तो चिल्ला गई थी, पता है आपकी बुआ है ना? बुआ, इनकी बुआ पुप्पी। हाँ जी, अच्छा नाम बताएं? गुलशमा। गुलशबा बताया आपने जी। अच्छा गुलशमा जी, तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बढ़िया लगता है गांव में जी। हैं? शहर में गए कभी आप? नहीं।
देहरादून साइड कहीं कभी नहीं, गाँव में यही जीवन कट रहा है। बहुत अच्छा जीवन है आपका, पता है आपको यहाँ पे शुद्ध हवा, पता है दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, दिल्ली में कितनी हालत, देहरादून में कितना प्रदूषण है, यहाँ पे आप गांव में रह रहे हो मजे से फर्स्ट क्लास। अच्छा कुछ कहना चाहते हो देश की दुनिया को, कुछ बोलना चाहते हो किसानों के बारे में? ये बोलेगी, करो खाओ बढ़िया मौज मारो। अपना नाम बताइए। सब गुलसमा ही है क्या यहाँ पे? गुलसभा गुलसमा फिर गुलसमा गुलसभा गुलसभा उनका नाम गुलसभा नहीं, वो जो बता रही थी सहनाज मेरी मम्मी मेरी। आपकी मम्मी है। अच्छा बच्चे आप पढ़ते हो जी? कहाँ पढ़ते हो? अब नहीं पढ़ते। कहाँ पढ़ते? कहाँ पढ़ते? मदरसे में जी। अच्छा आपको हिंदी पढ़ना लिखना आता है जी? अच्छा हिंदी पढ़ाते थे वहाँ पे जी। अच्छा तो लिखना जानते हो आप जी, बहुत अच्छी बात है। कहाँ कौन से क्लास तक पढ़े? मदरसे में ही पढ़े बस। क्लास तो होती होंगी वहाँ पे? पहली किताब, दूसरी, तीसरी, तीसरी चौथी, पांचवी, क्या? पांचवी। पांचवी तक पढ़े जी, पांचवी स्कूल में भी पढ़ी। तो जैसे आप नए नए जमाने के नए बच्चे हो, आपका मन नहीं करता हम आगे पढ़े, स्कूल में जाएं, आगे कुछ करें? ये घर वाले नहीं भेजते कि आप ही नहीं जाना चाहते? बस हम नहीं जाना चाहते। घर में बढ़िया है, आराम करो घर में। चलो कम से कम पढ़ना लिखना तो आता तुम्हें, इंग्लिश भी जानते हो पढ़ना जी? कम आवे इंग्लिश, हिंदी उर्दू ये ज्यादा हो। हिंदी लिखना भी आता है आपको जी? पढ़ना भी आता है? उर्दू लिखना भी आओ, पढ़ना भी। हाँ पर हिंदी ज्यादा मेन है क्योंकि यहाँ पे हिंदी ज्यादा चलती है, बोर्ड वर्ड सब हिंदी में रहते हैं जी, तो हिंदी पढ़ना आना चाहिए जी। तो आपको नहीं लगता, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 16 साल होगी। 16 साल तो अभी छोटे हो आप, तो आपको नहीं लगता कि आप लड़कियाँ, आज के लड़कियाँ कितने आगे जा रही है पढ़ाई में, या कोई इंजीनियर बन रही है, डॉक्टर बन रही है, आपका मन भी करता है ऐसा? मन तो करो बस पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि आप तो स्कूल परीक्षा भी फ्री, मतलब वह है ना? आप नहीं भेजते स्कूल, क्या क्या कारण आंटी का? है जैसे आपको लगता है आपकी लड़कियां बड़े बड़े उसमें जाएं, अधिकारी बने, आजकल देखो डीएम लड़कियां हैं, देखा आपने डीएम लड़कियां, जानते बच्चे आप, डीएम लड़कियां हैं, बड़ी बड़ी अधिकारी लड़कियां हैं, पुलिस वाली लड़कियां हैं, तो आपको लगता है कि हम भी ऐसा कुछ करें? आंटी तो बिल्कुल मना कर रही है कि मैं तो भेजूंगी नहीं पढ़ाई है आंटी। अरे इधर तो देखो जरा साहब। अच्छा ऐसे बात करो आप, आपने चाहता आपकी बेटी आगे पढ़े? पढ़ ले आठवीं तक। आठवीं तक पढ़ गई, आगे नहीं पढ़ा रहे? अब तो स्कूल पे फ्री में है एजुकेशन है तो। बच्चों को तो वजीफ भेजते, बड़े बच्चे हमारे जब जी मौल भी सारे बच्चे भी मारे। अच्छा मैं बच्चे नहीं जान देते फिर हमारी क्या जबरदस्ती? अच्छा बड़े बच्चे नहीं जान देते? बड़े बच्चे नहीं जान देते तो माँ बाप तो आप हो ना, आपको तो ज्यादा हक है। हक तो है, हक तो बच्चों का भी होगा। उर्दू ही पढ़ रखा है मौलवी? अच्छा 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 ये बात है। शराबी माहौल है? अच्छा हाफिजी माहौल है, मैं शराबी समझ रहा हूँ। अच्छा हाफिजी माहौल है, पढ़ना चाहिए वैसे। हाँ आंटी पढ़ना चाहिए ना आंटी, आंटी पढ़ना चाहिए ना आंटी। है ना बच्चे पढ़ना चाहिए। अच्छा घर में क्या काम करते हो आप? घर का काम करते हैं, खाना बनाना, बर्तन झाड़ू, गोबर निकालना, घास काटना। घास नहीं काटते? घास नहीं काटते, घास नहीं मारते कोई। अच्छा डंगर तो होंगे, डंगर कैसे पालते हैं? डंगर भैंसा दो झुट्टा चारा खाते हैं जी। अच्छा तो आपका मेन काम खेत, वही घर का काम है, खाना पीना बनाना? यही। सही है, सही बात, बढ़िया काम है। ए आंटी, ए आंटी, 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 आंटी। नाम तो बता दो आंटी अपना। ओ आंटी, आंटी नाम बताओ अपना, नाम बता दो नाम। है नसीमा आंटी, नसीमा नाम आपका, नसीमा है? डर के रोया? बड़े प्यारे हो आप, बहुत सुंदर हो आप। ऐसा कर दो बाय, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो बाय। तो फ्रेंड इस तरह से यहाँ पे है सेम की खेती, और पूरा पूरा यहाँ पे अभी ये जो है घास लगाया हुआ है। भैया ये घास है क्या? जी चरी है,
मक्का है। अच्छा मक्का है ये जी। और इधर पूरी सेम की स्ट्रेट वाइज लगी हैं बालियाँ। हाँ बच्चे भी यहाँ पे हैं। हाँ जी आपका नाम क्या है बहन जी? क्या नाम है? गुलशबा। आप भी खेती वेती करते हैं? पढ़ाई वढ़ाई की आप लोगों ने कुछ? स्कूल स्कूल गए कभी? गए? कौन सी क्लास से पढ़े आप? तब पढ़े आप? इधर देखो मदरसे में पढ़े जी हम। मदरसे उर्दू? अच्छा तो आज बेल सेम तोड़ने का काम चल रहा है। अच्छा चलिए आगे चलिए जरा। ये देखो फ्रेंड इस तरह से सेम पूरी लगी हुई यहाँ पे सेम की सब्जी बनती है। मैं आपको दिखाता हूँ सब्जियाँ कैसे होती हैं यहाँ पे। ये है सेम, ये देखिए सेम है ना आपको। ये देखो फ्रेंड इस तरह से कितना खूबसूरत ये लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा है। पूरे जंगल के बीच में ही देखो यहाँ पे मार रखे। और ये देखिए तो फ्रेंड जैसा आप देख रहे हैं मैं इस टाइम हूँ बिल्कुल घने जंगलों के बीच में। और ये आप पीछे देख रहे हैं ये है लिप्टिस पेड़ जिनसे कि पेपर बनता है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये है वो पेड़ जिससे लिप्टिस का पेपर बनता है। सॉरी मतलब पेपर बनता है, चाहे वो आपका कॉपी का हो गत्ते का हो जो भी मतलब पेपर का यूज होता है वो सारा सारा इस चीज़ से बनता है। तो देखो नेचर हमको कितना कुछ देता है, अनाज दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, सब कुछ वहीं से मिलता है। मटेरियल्स जो भी मिनरल्स हैं सब वहीं से मिलते हैं, सारा का सारा नेचर बेस्ड है। तब भी हम नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमको नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत अच्छे से करनी चाहिए ना। और हेलो फ्रेंड्स अभी हम खेत के बीच में यानी कि जंगल के बीच में और यहाँ पे मुझे मिला है ये देखिए ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का ठंडा ठंडा पानी जो कि प्राकृतिक रूप से नीचे से निकल रहा है, बहुत ही शुद्ध फॉर्म में ही होता है और किसानों का आप कह सकते हैं दोस्त है ये पानी। सब प्यारा शुद्ध पानी है भैया। ये देखिए पूरा निकल रहा है यहाँ से और ये जो निकल रहा है डीजल के सहायता से निकल रहा है, चक्की से थ्रू ये निकल रहा है पानी। मज़ा आ रहा है देख के। ये देखिए वाह तो प्यारा निकल रहा है पूरा यहाँ से लगा के और इधर से खेती के लिए जा रहा है पानी। देखो ये पूरा जा रहा है इधर वाह। तो फ्रेंड जैसा आपने देखा मैं किसान फैमिली से मिला, यहाँ पे दो तीन बहनें थी उनसे बात हुई, आंटियों से बात हुई, भैया लोगों से बात हुई और मैंने जाना किसान की ज़िंदगी में कितनी परेशानी है, कितने मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे मैंने जाने और मुझे जान के बहुत ही अच्छा लगा। और फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरे ये आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव गैरला भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय।